ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਰ ਮਰਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। क्योंकि जे असी कहने कि असी आज़ाद मुल्क दे वासी हाँ तो असी अज भी आज़ाद नहीं गए, असी अज भी कि ना कि गुलाम हाँ। क्योंकि औरत की एक त्रासदी है, एक औरत मर्द नूं जन्म देने वाली औरत है जिहड़ी मर्द नूं जन्म दिंदी है तो ना बंदे का दिंदी है। औरत है जिहड़ी त्याग की मूर्त है, जदों औरत बच्चे नूं जन्म दिंदी है तो 378 उहदियां हड्डियां टुटदियां है तो फिर वह मर्द जन्म लैंदा। तो अज उ मर्द औरत तो जन्म लैके उ मर्द साढ़े ना यह कुछ हो रहा, तो असी मतलब कि मैनू तो बड़ी, मैं बाई जी पूछ रही थी कि मणिपुर कितने जे आ, मेरा मन करता मैं उत्थे जावां, क्योंकि असी मतलब कि उस दिन के अंदरों अंदर ही बहुत मतलब कि असी इस गल दे ना वो है भी औरत का अज भी उ हाल है। जदों असी पुराने समय में सती की प्रथा सी, उदों साढ़े गुरु नानक साहिब जी आए, उन्होंने सती प्रथा खत्म की। औरत नाल इदां ही धक्का हुंदा सी ते अज भी वह धक्का अज भी हो रहा है। बेशक साढ़े गुरुआं ने यह प्रथा जिहड़ी सी खत्म कीती सी ते औरत नूं उच्च दर्जा दिता कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, पर अज भी किते ना किते असी अपने भी देखते हैं चार चार साल दियां बच्चियां नाल बलात्कार हो रहा है। अठ अठ साल दियां अठवीं क्लास च पढ़दियां बच्चियां नूं मुंडे चुक के लै जा रहे हैं, कोई कायदा कानून कोई सरकारां पता नहीं कित्थे सुत्तियां पईयां ने। ते औरत दी जिहड़ी सजा किस तरीके दी होनी चाहिए इस मामले में, जो घटना में कई आरोपी दसदे ने कि फड़े गए ने वीडियो दे आधार ते, सजा किस तरीके होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सैट हो सके? इन्हां बंदियां नूं फांसी देनी चाहिए है, इस तो घट इन्हां नूं कोई सज़ा होर मैं रखती नहीं भी कोई होर सज़ा होवे, होर सज़ा कोई मायने नहीं रखती, इन्हां नूं फांसी देनी चाहिए है और वह भी चौराहे च खड़ के। हाँ जी, की लगता है जिस तरीके हुण इस तरीके घटनावां हो रही ने, सुप्रीम कोर्ट तक नूं इंटरफेयर करना पै रहा है, किवें देखदे हो, किस तरीके के हालात इस वक्त नज़र आ रहे थे? देखो जी, मेरी तो सरकार अगे यही बेनती है कि जां इन्हां दुष्टां नूं फांसी होवे ते जां इन्हां नूं जिंदा जी जलाया जाए, क्योंकि साड़ियां औरतां जिहड़ियां के हुब के बाहर निकलदियां सी घर दे काम वास्ते, हर औरत बाहर आउंदी आ। मैं कहनी हाँ मणिपुर दे विच इह जिहड़ी घटना वापरी आ, कल नूं साडे वी इत्थे जिले दे विच हो सकदी आ, सानूं इहनां ते नत्थ पाउणी चाहीदी आ, सानूं इन्ना कि ज़्यादा औरतां नूं बाहर आउणा चाहीदा। मैं कहनी घबराओ ना, तुसीं अपनी बहादुरी दिखाओ, तुसीं डरो ना इन्हां चीज़ां तों। अज औरतां जिहड़ियां साडियां उह सहम चुकियां ऐ, उहनां नूं ऐं लगदा है कि असीं बाहर निकलेंगे कि पता नहीं साढ़े नाल की हो जूगा। मैं उन्होंने औरतों को यह बेनती करती हाँ कि तुसी हिम्मत अते अपनी बहादुरी के नाल इन्हां दुष्टां का मुकाबला करो, जो कि ये दुष्टां नूं जिहड़ी सज़ा दिवाउण दे विच आपां कामयाब हो सकीए। मैं कहनी इन्हां नूं जिंदा जी जलाया जाए। बिल्कुल देख सकते हो रोस किस तरीके का है सर, किवें लगता है हुण, क्योंकि लगातार करे जांच चल रही है इस विषय के उत्ते हुण तक? देखो सब तो पहली गल तो यह है जी भी ये मनुखता के नाम के उत्ते एक बहुत वड्डा धब्बा है, है उस मुल्क जिहड़ा कि सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उस मुल्क दे विच जिहड़ी औरत नूं असी कहने भी मर्द दे मोढे नाल मोढा ला के साथ दिंदी है और साडे संविधान ने यह हक दिता उहनूं, और वह औरत दे नाल साडियां धीआं भैणां साडियां मावां जग जानी असी कहने हैं, और इहो जी बर्बरता हुई है। मैंने बहुत जिन्नी निंदा करी उन्नी इहदी थोड़ी है, और जिहड़े सरकार है सरकार इस गल नूं बड़ी लाइटली लै रही है, ये बहुत माड़ी गल है सरकार वास्ते। मणिपुर का मुख्यमंत्री जिहड़ा ये कहिंदा भी इहो जिहियां घटनावां तां हुंदियां रहिंदियां, मैं समझदा भी उहनूं शर्म डुब के मर जाणा चाहीदा। साडा गृह मंत्री है प्रधानमंत्री इस गल की माफ़ी मंगण सारे मुल्क तो, जिहड़े दोषी है उहनां नूं फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जांच पड़तालां तां करतीआं, हुण औरतां भी उठ खड़ियां होईआं जागरूक होईआं और सारे मुल्क दे विच इक लहर उठी, क्योंकि दो महीने तक घटना लुकी रही जदों बंद बंद सी सारा कुछ। देखो तो यह हुण पता लगा तो हुण सारा देश है जिहड़ा जाग रहा, तो ये जिहड़ा लोकां दा जिहड़ा एक है ये उन्होंने फांसी सज़ा दवा के हटूगा। बिल्कुल, अज की तस्वीर तुम वेखी है किस तरीके जोड़े ने हर वर्ग के लोग पहुँचे हुए हैं। दूजे पास गलबात की जाए इन्हां लोगों की, बेशक शरीरिक रूप में सही नहीं ने पर इस विरुद्ध आवाज़ उठाने जी है इन्नी कु जरूरी सी, इन्हों पुछना पे सर की लगता है? सत श्रीकाल जी, किस
किस तरीके लगता है हुण जो हालात इस वक्त बने हुए ने लोगों की मानसिकता जी है किस तरफ में जा रही है? ये जी साड़ियां जिहड़ियां सरकारां ना ये कोई उपराला नहीं कर रही, लोगों ने इनू जित के कुर्सियां ते बुआता, पर सरकारी बेटी आ धी आ इन्हां दी कोई इज्जत नहीं है। इत्थे पंजाब दे विच कोई ऐसा कानून बनाया जाए उन्हां नू फांसी दित्ती जाए जा के कोई इहो जिहा कोई कर्म अगे वास्ते ना हो सके। साड़ियां बेटियां दी इत्थे कोई अफास नहीं हैगी पंजाब दे विच। मैं सारयां नू पुरजोर अपील करदा जिवें इत्थे अज इकट्ठ होया हर एक पंजाबी नू हर एक हिंदुस्तानी नू इस इकट्ठ दे शामिल होना चाहीदा सीगा क्योंकि दुख सब नू आ बेटी दा ते धी दा। बिल्कुल महिंद्रिता साहब मौजूद ने। महिंद्रिता साहब 70 दिन बाद जो है कार्रवाई होने की गलबात सामने आती है, वीडियो बाहर आती उस तो बाद हालात जोड़े ने बाहर निकलते हैं कि किस तरीके हालात बने हुए हैं, की लगता है किस तरीके की कोशिश होनी चाहिए है, किस की लगता कानून में शोध होनी चाहिए ताकि यहोजी कोई वारदात होंगी है उसते अगे वास्ते जो एग्जाम्पल सैट हो सके कोई भी इस तरीके की चीज़ करने तो पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल तुहाडी गल सही है। पंजाब चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन ने सारे इंसाफ पसंद संस्थावां जथेबंदियां ते शख्सीयतां नूं सद्दा दिता, सारे इत्थे इकत्र होए। मणिपुर की घटना सिर्फ आपां उहदे ते डिस्कस कर रहे हैं जिहड़ी वीडियो क्लिप जनतक होए ने, पर बहुत कुछ हो होया जिहदी वीडियो बनी नहीं ते अजे भी हो रहा, अजे भी उह जुलम दे शिकार हो रहे ने। रही गल उहनां नूं सजावां देण दी, उन्हां नूं फांसी की सज़ा कल्ली इन्नी कुड़ मिलनी चाहिए जिवें पुराने राजे महाराजे जनतक तौर पर सारे इलाके कट्ठा करके सज़ा देंदे सन, मौत की सज़ा उस तरीके की भयानक सज़ा देनी चाहिए है जिहड़ी अज भी बहुत सारे अरब कंट्रियां दे विच दित्ती जा रही है ताकि साडी धीआं भैणां की सुरक्षा यकीनी बनाई जा सके, बहाल होवे ते जिहड़े दोषियों नूं सख्त सज़ा मिले। मणिपुर की सरकार बरखास्त होवे, केंद्र की मोदी सरकार नूं भी इस बारे जवाब दे बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। तां विखा तस्वीरां तुसीं किस तरीके नाल लोकां दे विच गुस्सा है इस गल नूं लैके कि मणिपुर विच जो घटना वापरी है उसका इंसाफ जिहड़ा है वो हाल की कड़ी लोग उड़ीक रहे हैं कि इंसाफ किस तरीके का हुंदा है अते नाल दी गलबात की जाए पूरे देश विच जिहड़े इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं अते हाल की कड़ी गलबात की जाए तो कोटकपुरा विच ही प्रोटेस्ट होया जिस विच वड्डी गिणती विच लोकां ने पहुँच के हिस्सा लिया है। कोटकपुरा तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी दे नाल सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी।